शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। उन्हें 28 जून को मुंबई में स्थित ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिस पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं जरूर पूछताछ में अपनी हाजिरी लगाऊंगा। गुवाहाटी गए हुए शिवसेना के नेताओं का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही है और हमारे घरों पर अन्याय हो रहा है। इस पर संजय राउत को पूछे जाने पर वह सफाई देते हुए बोले कि उन नेताओं को धमकियां नहीं दी गई है, उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि जो नेता भाग गए हैं उनका शरीर गुवाहाटी में है लेकिन आत्मा मर गई है, और ऐसे शरीर जब यहाँ आते हैं तब वह निर्जीव और मृत रहते हैं। उन्होंने मेरे वक्तव्य का अर्थ समझना चाहिए। कल मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से, उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं। सर, आपका बयान एक पहले चर्चा में है जिसमें लाश को लेकर गुवाहाटी जाने को लेकर मुंबई जाने को लेकर सर बंडा है, सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई शुरू है, याचिका करते हैं सर बंडा है कि आम्ही मुंबई महाराष्ट्र में येऊ शकत नाही, पण आमच्यावर हल्ले होता है, आमच्या घरावर हल्ले होते, आम्हाला धमक्या दिल्या जातात। असं तुम्ही त्याने मराठी भाषा समजून घेतली पाहिजे। मी काय म्हणालो आहे, मी इतकंच म्हणालो की जे गुवाहाटीला आता आहे ते शरीरानं तिकडे आहे, त्यांचा आत्मा मेला आहे, आणि असे शरीर जेव्हा इथे येतं तेव्हा ते निर्जीव आणि मृत असतं, याचा अर्थ समजून घ्या। नाही का आता सर, जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है उनका जमीर उनका आत्मा मर चुका है, और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? अब तो सिर्फ पोस्टमार्टम का है, लोग उनका उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं, ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आहे, कोर्टात जे म्हणणं मांडलं गेलंय की त्यांना अधिकार नाहीये, मला कोर्टामध्ये काय चाललंय त्याच्याविषयी मी कोणतेही भाष्य करणार नाही। ती न्यायालयीन लढाई आहे, ती कायदेशीर लढाई आहे, त्यासाठी आमची लीगल टीम, आमचे शिवसेनेचे काही प्रमुख लोक दिल्लीमध्ये उपस्थित आहेत आणि त्याच्यावर